राम राम जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? चलिए दोबारा से मैं आपके रूबरू आई हूँ और सबसे पहले तो मैं आपसे जो है एक बात शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ जैकेट की वीडियो तो बनाने जा रही हूँ। मैं आपसे लाइक्स मांगती हूँ ऑनली, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स मांगती हूँ और इससे क्या होता है मेरा हौसला भी बढ़ता है, ठीक है। मैं आप इसे मुझे मतलब लाइक की जो कमी कर लीजिए, कोई बात नहीं, फिर भी मैं जो है मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी आप सभी के लिए। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि बेबी के लिए जो है मतलब समर में जैकेट जो है किस तरह से बनती है, वो भी एक नेट ट्रिक में और बहुत अच्छे स्टाइल में बनाने जा रही हूँ, ठीक है। तो और साथ में मैं आपसे क्लियर कर रही हूँ कि अगर कोई किसी को कोई डाउट्स रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो मुझे व्हाट्सएप में आस्किंग कर सकते हो, ठीक है। और साथ में मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दे रही हूँ। यदि कोई मुझे अच्छे अच्छे कमेंट देता है और जिस कमेंट को मैं पिन दूँगी उसके लिए मेरी वीडियो जो है हमेशा एक वीडियो जो है गिफ्ट रहेगी मंथ में। तो चलिए अच्छे अच्छे कमेंट्स तो दीजिए भाई, अच्छे अच्छे विचारों के साथ। चलिए हम शुरुआत करते हैं न्यू छोटी सी बॉर्न बेबी के लिए एक जैकेट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको फंदे की नॉलेज दे देती हूँ। मैंने यहाँ पर जीरो से राइट एंड लेफ्ट मैंने यहाँ पर जो है 30-30 फंदे डाल दिए, ठीक है। अभी मैंने जस्ट यहाँ पर जो है प्लेन बॉर्डर बनाना है, ठीक है। आप चाहो तो कट वाला बॉर्डर भी लगा सकते हो, मैंने कट वाले बॉर्डर की ट्रिक आपसे शेयर की हुई है। तो इसमें मैंने फंदे हैंड से नीट किए हुए थे, तो मैं पहली रो में हमेशा क्या करती हूँ, फंदों को आगे की ओर कर लेती हूँ, ठीक है। अभी जस्ट मैंने क्या करना है, यहाँ पर प्लेन नीट करते हुए जाना है। इन्हें मैं जो सभी को बाहर की ओर करते हुए जा रही हूँ, ताकि ये जो धागा है ना मेरा, ये मेरा फैदर 3-ply का है, ठीक है। और इस तरह से प्लेन बॉर्डर बना दी। और साथ में मैं क्लियर कर लेती हूँ, जब आप इस तरह का धागा जब बनाते हो तो डाई सेशन आपने जो 9 और 10 रखना है, ठीक है, तब ये बहुत अच्छा बनकर आता है। और मैंने बॉर्डर में मैंने 26 रो ले ली है। अब जब फंदा उठाएंगे तो ये साइड का उठाना है, ठीक है। मैक्सिमम बहनों का जो है तिरछे में चले जाता है, तो सीधे के लिए हमने क्या करना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से और फिर इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। फिर मैं उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। देखिए बॉर्डर बन चुका है। आप चाहो तो 2 कलर का पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो जाली वाला पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने सेंटर देख लिया था। अब मैं काउंटिंग करती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। जब जाली बनाएंगे तो आगे की ओर साथ साथ करते हुए जाना है आपने, ठीक है। अगेन काउंटिंग करनी है मैंने, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। बहुत इजी सा पैटर्न है और बहुत सुंदर बनकर आता है इस तरह से, है ना, इस तरह से। अब देखिए मैं इसमें आपको क्लियर कर लेती हूँ, जाली जो है आपकी चॉइस पे रखना है, आपने छोटी बनानी है चाहे बड़ी बनानी है, ठीक है। तो जितनी ये छोटी बनेगी ना वो बहुत अच्छी बन के आती है, बड़ी भी अच्छी बनती है। तो बड़ी बिग प्रोजेक्ट वाले यानी बड़े साइज़ के बच्चों के लिए अच्छी लगती है, ठीक है। तो चलिए बना लीजिए इस ग्राफ को, जाली को। तो देखिए इस तरह से मैंने जाली को जिस तरह से खोला था बंद भी इसी तरह से करते हुए जाना है, ठीक है। और इसके बाद आपने प्लेन लाइन, ठीक है, सेम ग्राफ अब मेरा यहाँ पर सेंटर में निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ भी याद रखिए आपने 13 ही फंदे करने, देखिए 2, 4,
6, 8, 10, 12, 13 ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से ठीक है, इस तरह से मिनी सा ग्राफ बना दीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ ठीक है। इस तरह से अब देखिए, जब भी आप वीमेन जो होती है मुझसे आस्किंग करती है, मैम इसे नापना कैसे चाहिए, जैसे कोई भी स्वेटर होती है ना, तो यहाँ से नहीं आपना ठीक है, यहाँ से लचक आ जाती है ठीक है, हमेशा आप सेंटर से ही कर लीजिए। तो मेरे यहाँ पर पूरा 7 समथिंग आ गया है मेरा ठीक है, इस तरह से। तो चलिए ये इतना काफ़ी है, और अब मैं बताती हूँ यहाँ का तरीका, मतलब यहाँ से लेस करने का। तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हमारी हाई नेक शेप कटिंग भी आती है ना। तो इस तरह से अगेन, इस तरह से, और यहाँ क्लियर करती हूँ मैं आपको, ये पूरे लेस नहीं करने हैं यहाँ से, फिर मैं आपको अलग तरीका बताऊंगी जब मेरे यहाँ पर 1.5 या 2 इंच बन जाएगा ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने लेस कर दिया है, इक्वल्स भाग में मैंने यहाँ डिवीज़न कर दिया है, और यहाँ पर सेंटर का ठीक है, सेंटर में देखिए कुछ फंदे मैंने ले लिए, आप चाहो तो 11, 13 इस तरह से भी ले सकते हो। तो ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने जो है अनेजर धागा लगाया हुआ है, ये मैं लेस कर देने हैं ठीक है, इस तरह से। ये थोड़ा ना लूज रखना है आपने ठीक है, ये टाइट नहीं होना चाहिए हमारा बिल्कुल भी। तो चलिए मैंने यहाँ डिवीजन कर लिया है, और सिंपल कैरिज वाली जो है वो नोक को पीछे की ओर करेगी, और कार्ड वाले इसको करेगी, और यहाँ पर मेरे 18 फंदे ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, दोनों साइड से 1-1 फंदों को लेस करते हुए जाना है, पूरे लेस नहीं करने हैं इसमें भी ठीक है, इसका तरीका भी सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आप 12 ही फंदे रख लीजिए, चाहे आप जो है इसमें 15 फंदे रख लीजिए ठीक है, उसके बाद जो ट्रिक मेरी चेंज हो जाएगी। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट धागा, आप चाहो तो सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहो तो डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने करना क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जो है एक एक फंदा बाहर की ओर निकालना है ठीक है, इस तरह से ठीक है। अब देखिए कितने मैंने निकाल दिए, यहाँ मैंने हाफ किए, पूरे नहीं करने, और मैं फिर इसके बाद नेक्स्ट धागा लगाऊंगी, फिर से मैं इसे, चाहे तो आप थोड़ा सा प्लान कर लीजिए, चाहे सेम आप ऐसे ही करते हुए जाइए। तो देखिए यहाँ मैंने 8 रो प्लान ले लिए, फिर सेम तरीका ऐसे करते हुए जाना है, और ये याद रखिए ये स्टेप बनाएंगे, ये आपने जो है बेबी के आर्म होल के अनुसार ही आपने निकालनी, 3 निकाल दीजिए, 4 निकाल दीजिए, 5 निकाल दीजिए ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये देखिए इस तरह से ठीक है। अब जैसी साइड ये बनाई है ऐसे ही ये वाली साइड बनाएंगे ठीक है। अब फंदे मेरे यहाँ से निकलेंगे ठीक है, ये वाले से याद रखिए सुइयाँ यहाँ से निकलती जाएगी 1 बाय 1 करके, और ये बड़ा स्कोप जो आता है ये हमारा इधर को आर्म होल में साइड में आता है। तो चलिए बना लीजिए, साथ में मैं इसके मैं क्लियर करती हूँ, जो इसका पीछे का पल्ला है वो भी मैं साथ में ही बनाने जा रही हूँ। तो पहले मैं इसे बना लेती हूँ,
फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये बनकर किस तरह से आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्लियर करती हूँ। अगर आपको लगता है कि बेबी का ये मतलब आपको हेड के लिए अगर शॉर्ट लग रहा है तो मैं डायरेक्ट नहीं इसमें फंदे मतलब उठाऊँगी। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पर दो दो ठीक है दो दो फंदों को जो है मैं यहाँ पर सेंटर तक लाऊँगी। एक बार मैं लेफ्ट हैंड साइड के जीरो तक लाऊँगी, एक बार मैं राइट वाले के यहाँ तक लाऊँगी ताकि यहाँ से भी जो है अच्छा बनकर आए। ठीक है तो इस तरह से बना लीजिए। अब देखिए मेरी ये राइट और लेफ्ट से इक्वल्स में आ गए हैं। और मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करती हूँ, जब तक मेरा यहाँ तक ना जाए तब तक मैं सेम फंदों को ही निट करते हुए जाऊँगी। उसके बाद जितने ये लेस किए हुए ना उनको बढ़ाने का तरीका किस तरह इसमें किया जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ। पहले जस्ट प्लेन प्लेन नीट करते हुए जाती हूँ। बटन मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए अब मैं इक्वल्स में आ गई हूँ और जितने फंदे मैंने लेस किए थे तो बढ़ाने कैसे है? मैंने इस तरह से एक एक फंदा ठीक है राइट से भी लेफ्ट से भी यहाँ से एक फंदा ये जो थ्री पिन से निकाला ना ये इस तरह से ठीक है इस तरह से इस तरह से। आप चाहो तो इस फंदे से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसे नहीं है कि आपने यहीं से करना है ठीक है, यहाँ से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैंने कहा था ना ये 30+30 60 तक मैं इसे बढ़ाती जाऊँगी जब तक मेरे यहाँ पर जो है 60 पूरे कंप्लीट ना हो जाए। अब देखिए मेरे यहाँ पर इक्वल्स में आ गई हूँ और यहाँ पर आप चाहो तो क्रोशिए से फ्लावर कर लीजिए, कढ़ाई कर लीजिए, जैसे मर्जी आप रखना चाहते हो उसे रख सकते हो। फिर मैं नेक का तरीका बताऊँगी। अब जस्ट मैंने क्या करना है, यहाँ पर जितनी रो में मैंने ये बनाया था पैटर्न उतने ही मैंने यहाँ पर प्लेन रो लेनी, चाहे आप टू कलर को ले लीजिए धारी वाली ठीक है अगर टू कलर है। उसके बाद मैक्सिमम सिस बोलती मैम आप फोल्ड कैसे करते हैं, तो फोल्ड करने का तरीका मैं बता दूँगी आपको अभी इसके बाद ठीक है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर प्लेन स्टेप पर कर लेती हूँ ना। यहाँ मैं जो है इक्वल्स पार्ट में आ गई हूँ और यहाँ पर देखिए मैक्सिमम से रेब हो जाती है ना जब सेम कलर होगा, तो यहाँ पर अनेक धागे की मिलता जुलता जो भी पैटर्न के साथ है उस कलर की एक मतलब आपने यहाँ पर रो लगा देनी है। और इस तरह के बटन की नॉलेज तो मैं आपको कई बार दे चुकी हूँ और ये बटन मैंने बंद कर दिया है। और फिर अब मैं बॉर्डर ठीक है फिर मैंने फोल्ड करना है ताकि मेरे को ये ना इजी हो जाए उठाने के लिए यहाँ पर, तभी मैंने यहाँ पर जो है बाहर धागे को दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर कॉर्नर से इस तरह से है ना कॉर्नर टू कॉर्नर उठा देना है पहले हमने ये भी तो फंदा होता है तो भी हमारा इक्वल में आएगा, कोई भी रेव नहीं आएगी। अब इन फंदों को उठाते हुए जाइए और फिर आपका बॉर्डर कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं आपको नेक बताती हूँ है ना। तो इस तरह से ये मेरी बनकर रेडी हो गई है। अब मैं नेक बताती हूँ आपको ठीक है। नेक के लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए पीछे का मतलब सेंटर देख लेना है और फ्रंट का सेंटर देख लेना है और फिर इन फंदों को ट्रांसफ़र कर देना है। फिर उसके बाद मैं आपको फंदे ट्रांसफ़र करने के बाद बताती हूँ कि इसे किस तरह से बनाया जाएगा। आप चाहो तो अगर गला नहीं बनाना चाहते हो तो फिरल भी लगा सकते हो 3-3 फंदे की ठीक है, वो बहुत ईजी से बन के आता है। तो चलिए पहले मैं आपको नेक बता देती हूँ।
तो देखिए यहाँ पर ना बेबी के लिए मैंने जो है सिंगल ही बॉर्डर रखना है मैंने, ठीक है। तो लास्ट में मैं इसकी क्लोजिंग के बारे में बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको यहाँ किस तरह से करना है, मैंने इसे सिंगल ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए जितनी बड़ी आपको ये क्लियर चाहिए उतना ही आपने इसे बुनते जाना है, ठीक है। दो, ये थ्री, इस तरह से ठीक है। अगेन वन टू थ्री, इस तरह से पूरी रो करते हुए जाना है। फिर आपको मैं दिखाती हूँ नेक किस तरह से बनकर आया हुआ है, देखिए ना, दिखा लेती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से आएगा ना, और फिर ये बैक का स्टिचिंग हो जाएगा, फ्रंट का खुला रहेगा, ठीक है। देखिए इस तरह से मेरी वूलन हाफ जैकेट जल्दी तैयार हो गई है। तो आप चाहो तो सेम ऐसे ही फ्लावर भी लगा सकती हो। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ यहाँ मोती बचे हुए थे और कुछ राखी की पैटर्न्स, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लगा दिए हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़। थैंक यू।